हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। बाजार में मावा हमको तैयार मिलता है, लेकिन बाजार का मावा जो है शुद्ध नहीं होता। बहुत सारी हमको उससे शिकायतें रहती है। बहुत सी जगह तो ऐसी होती है कि मावा हमको मिलता ही नहीं है। अगर हमें शुद्ध मावा खाना है तो हम इसको घर पे आसानी से हम मावे को बना सकते हैं। मावा बनाने के लिए हमें कुछ ज्यादा खास चीजों की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ गाय का फुल क्रीम दूध लेना है। आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, बीच बीच में मैं आपको ऐसे कुछ खास टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हमने 1 लीटर दूध इसमें डाला है। अब हम गैस ऑन करेंगे और उबाल आने तक हम इस दूध को पकाते रहेंगे। बीच बीच में हमको हिलाते रहना है। हमने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, आप चाहे तो मोटे पेंदे की कढ़ाई भी ले सकते हैं। इसको हमें लगातार हिलाते रहना है जब तक उकाली नहीं आ जाए। उकाली आने के बाद हम गैस को सिम कर देंगे और इस तरह हम इसको सेट करेंगे कि ये दूध हमारा जो है बाहर नहीं आए। इस तरह हमें गैस को सेट कर देना है जब तक ये दूध आधा नहीं रह जाए, जब तक हम इसको चलाते रहेंगे। बीच बीच में हमको 10-10 मिनट के गैप में इसको हमें चलाते रहना है। ये देखिए, हमारा दूध अब आधा रह गया है। किनारों से भी हम चम्मच की मदद से इसको खुरसते जाएंगे ताकि ये नीचे चेटे नहीं। हमें चम्मच नीचे बॉटम तक लेके इसको हिलाना है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। इस बीच आप अपना कोई भी कार्य कर सकती है, जैसे सब्जी चॉप करना हो या खाना बनाना हो, रोटी बनानी हो, ताकि आपका फोकस बिल्कुल इसके ऊपर रहे। बीच बीच में 10-10 मिनट के अंतराल में हमें इसको हिलाते रहना है। लास्ट में जब ये पूरा पकने लग जाए तब हमें पूरा इस पे ध्यान देना है। अभी इसको बनने में 10-15 मिनट का टाइम और लगेगा। ये हमने 5 कप दूध लिया था। 5 कप दूध से 200 ग्राम मावा हमारा इसमें बनेगा। एक खास टिप्स आपको इसमें बता रही हूँ, यदि आपके पास मलाई हो तो आप 1 कटोरी मलाई इस समय, जब ये आधा रह जाए तो इस समय आप इसमें मलाई ऐड कर सकते हैं। इससे आपकी जो मावे की जो क्वांटिटी है ज्यादा हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें, वो आपकी ऑप्शनल है। आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए, हमारा मावा लगभग बनने को तैयार हो गया है। इस तरह हम इसे हिलाते रहेंगे। अब हमें बिल्कुल यहीं पे ही इसको पूरा करना है, नहीं तो नीचे पेंदे से बॉटम से ही हमारा चेट जाएगा। बिल्कुल इसका हमें ध्यान रखना है। 5 कप दूध हमने गाढ़ा किया था, इससे हमारा ये 1 कप मावा हमें बनके मिलेगा। इतना मावा बनाने में हमको 40 मिनट का समय लगा है। ये घर का शुद्ध मावा तैयार है, इसको हम ठंडा होने देंगे। कितनी अच्छी क्वांटिटी में देखिए हमारा मावा निकल के आया है। इसको अब हम 1 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमारा मावा कैसा बना है। हमारा घर का शुद्ध मावा रेडी हो गया है। जब दिवाली का समय आता है तो मैं खुद 5 किलो फुल क्रीम दूध का मावा घर पे ही बनाती हूँ। इस मावे से हम बहुत सारी मिठाइयाँ घर पे बना सकते हैं, जैसे पेड़े, बर्फी, गुंजिया, गुलाब जामुन, कुछ भी अपनी मनपसंद मिठाई हम बना सकते हैं। गुलाब जामुन तो बहुत ही अच्छे इस मावे से बनते हैं। मैं अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि इस मावे से हम गुलाब जामुन कैसे बनाएंगे। आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।